पूरे देश की निगाह इस वक्त राजधानी पटना के इसी तरेत पाली मठ पर टिकी है, क्योंकि बाबा आ चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही प्रसिद्ध हैं और राजधानी पटना में लंबे समय से इंतजार था और वो घड़ी आ गई जब आज से लेकर 17 तारीख तक धीरेन्द्र शास्त्री पूरे बिहार के ही नहीं बल्कि आसपास नेपाल से भी कुछ लोग जो आएंगे उनको भी, तमाम जो लोग हैं श्रद्धालु उनके बीच हनुमंत कथा का आयोजन होगा। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जो पंडाल है, गेट, ये एंट्रेंस है जहाँ से बड़ा सा पंडाल बनाया गया है। पंडाल की वो तस्वीर देखिए जहाँ ये कहते हैं कि हाईटेक तरीके से जर्मनी के तकनीक, जर्मन तकनीक पे आधारित ये पंडाल है जो आंधी तूफान बारिश सब में बर्दाश्त करेगा। और श्रद्धालु काफ़ी संख्या में जुटने लगे हैं क्योंकि 17 तारीख तक धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ कथा का वाचन करेंगे और दूर दूर से दराज से जो लोग हैं वो आने लगे हैं। कुछ लोगों से जानते हैं, कहाँ से आई है मैडम आप लोग? रुपसपुर से। रुपसपुर से क्या सुने, क्या जाना, क्या पहचाना? कथा सुनने आए हैं। कथा पहले तो आपने टीवी पे देखा होगा, अब तो आप लाइव देखेंगे? हाँ, लाइव देखेंगे। इंतजार था बाबा का बहुत दिनों से बेसब्री से। बाबा पर्चा भी खोलते हैं? हाँ खोलते हैं। उम्मीद है हम लोग का भी खुलेगा, है ना? उम्मीद है, इसी उम्मीद से तो हम लोग यहाँ आए हैं कि मैं भी लख लग जाए, हम लोग का ही पर्चा खुल जाए पहले। आप किस उम्मीद से आई हैं? हम भी यही उम्मीद से आए हैं। अच्छा, बाबा के बारे में क्या सुना है आपने? सुने हैं कि बाबा अपने आप सब कुछ बतलाते हैं भविष्य बारे में, है ना? हाँ, हम लोग दरभंगा से आए हैं। अच्छा, दरभंगा जिले से जी। तो अभी 17 तक आप लोग रहेंगी? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? हम पटना से आए हैं। अच्छा, क्या सुना बाबा के बारे में? बाबा के बारे में तो बहुत सुने हैं कि भाग भाग के दर्शन से आदमी के तकदीर बदल जाता है, बिगड़ल काम बन जाता है। अच्छा, वही आस लेके आए हैं कि हम लोग के भी काम बन जाए, जो मन में लेके आए हैं तो बाल बच्चे के साथ भी हो जाए। आप बताइए, आपकी क्या मनोकामना है? मनोकामना कुछ नहीं, वैसे आए दर्शन करने के लिए। अच्छा जी, हाँ, और गॉड तो सब जानवे करते हैं कि क्या चाहिए, और इसी उम्मीद से आए हुए हैं बस। बिल्कुल, तो देखिए गर्मी बहुत है, गर्मी के लिए अब ये जो पंखा है, हाथ वाला पंखा, ये अभी पूरे सीजन में आपको देख, हाँ, ये होममेड है। होममेड है, तो चलिए होममेड है, और ये अभी गर्मी से राहत भी पहुंचाएगा। कुछ लोग जो आए हैं, आइए ये बताइए कि कहाँ से आए हैं आप लोग और क्या उम्मीद है? बस मिलने के लिए बाबा से आए हम लोग। रांची से आए हम लोग, झारखंड से आए। आंटी आप भी आई है झारखंड से, क्या सोचा, क्या समझा आपने कि भाई चले पटना? बस दर्शन करने आए हैं, बाबा आ रहे हैं वहाँ से, इसलिए आए हैं। और भगवान में आस्था है, उसके लिए आए हैं, बाबा के दर्शन हो। जो प्राचीन पद्धति है भारत की, जो धर्माचार्यों की पहले होती थी, समाज के प्रति, संस्कृति, धर्म के प्रति जागरूक करना और समस्या का समाधान करना, वो सब कुछ बाबा में है। और एक गर्व है हम लोग को, ये भारत के गर्व है, जो धर्माचार्यों का एक काम था, जो पहले होता था प्राचीन काल में, जो पहले होता था, जो प्राचीन काल में होता था, सबके प्रति जागरूक करना, आम जनता को, हम लोग जैसे लोग को जो कुछ नहीं जानते। और अब जो नया जनरेशन जो आ रहा है, जो भूलता जा रहा है सनातन के प्रति, वैसे लोगों के लिए भी क्या? जैसे ये बाबा हैं, ये तो नए जनरेशन के ही हैं, बहुत पुराने नहीं हैं, तो इनको देख के भी युवाओं को प्रेरणा मिल रही है। ऐसा नहीं है कि न्यू जनरेशन एकदम से भूलता जा रहा है, ऐसा नहीं है। लोग युवा भी अब आगे बढ़ रहा है, हाँ, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति अब उन लोग को भी लग रहा है, जागरूक हो रहा है। बिल्कुल, तो खास बात यह है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी युवा हैं। सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में उनका जो क्रेज है वो अभी तक बरकरार है, और तमाम जो बड़ के लोग हैं, चाहे वो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों या बच्चे हों, सभी को उम्मीद है कि एक झलक बस धीरेन्द्र बाबा का दर्शन हो जाए, उनकी कथा सुन ली जाए। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, बाइस्कोप, पटना।